हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिफेंस का पोर्शन करने जा रहे हैं। PT 365 का जो पोर्शन बचा हुआ है वो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, डिफेंस वाला जो करंट अफेयर हम करने जा रहे हैं इसके अंदर, तो पहला टॉपिक है हमारा मिसाइल्स क्या होता है। मिसाइल एक तरह की रॉकेट होती है। मिसाइल क्या है? रॉकेट होती है एक, जो एक्सप्लोजिव को डिलीवर करने के काम आती है। मिसाइल दो प्रकार की हो सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, ये हम देखते हैं अभी। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि उसको हम बैलिस्टिक मिसाइल को हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन पर लॉन्च करते हैं। जैसे एक बॉल हवा में फेंकते हैं दूर की तरफ, वैसे ही इसको लॉन्च किया जाता है प्रोजेक्टाइल की तरह। ये बैलिस्टिक मोशन है, बैलिस्टिक मिसाइल। इसको एक एंगल पे प्रोजेक्टाइल की तरह लॉन्च करते हैं, प्रोजेक्टाइल की तरह। और दूसरा है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल को हम यहाँ से किसी हाइट से लॉन्च करते हैं सिस्टम पे, तो ये ऐसे 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 सीधा सीधा डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट है तो ये हमारा टारगेट हुआ, तो इसको क्रूज मिसाइल क्या है, वो सीधी भी जा सकती है, सीधी जा सकती है, हम कैसे सीधा डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक, तो बैलिस्टिक मिसाइल वो हम प्रोजेक्टाइल पे भेजेंगे, वो अर्थ के एनवायरनमेंट से बाहर भी जा सकती है। ये अर्थ है, ये अर्थ हुई, ठीक है। फिर हम यहाँ से इसको सेंड करेंगे तो ये ऊपर जाएगी, फिर ऐसे यहाँ से टारगेट होके अर्थ, ये मिसाइल मेरी हुई यहाँ से गई वन पॉइंट से, टारगेट मेरा टू था, तो ये पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी। तो इसमें क्या है कि एक पॉइंट यहाँ पे यहाँ तक आने के बाद में जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल का, जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, इसके आने के बाद में इसको फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है, फ्यूल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद में इसको आधी जर्नी के लिए इसको फ्यूल चाहिए होता है, इसके बाद वाली जर्नी के लिए फ्यूल नहीं चाहिए होता है, तो कम फ्यूल पे भी ये काम करती है। जबकि ये अर्थ है, फिर हम यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, ये क्रूज मिसाइल के अंदर है, इसमें पूरे का पूरा फ्यूल बेस्ड होगी, ये सीधा लॉन्च कर रहे हैं, इसको टारगेट कर रही है, तो ए से बी को टारगेट, बी को बी हमारा टारगेट है, इसमें पूरी जर्नी में हमें फ्यूल का कंजम्पशन होगा और बैलिस्टिक में आदि का कंजम्पशन होगा। तो इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल है ना, उसमें फ्यूल कम चाहिए होगा, तो बैलिस्टिक में हम ज़्यादा लोड ले जा सकते हैं, मोर लोड, पेलोड। बैलिस्टिक को जनरली किसके लिए बनाया जाता है? न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने के लिए बनाया गया है। और इसमें कन्वेंशनल तो क्रूज मिसाइल में हम क्या है, कन्वेंशनल वारहेड डिलीवर करते हैं। तो अब इनको बारी बारी से हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इस स्लाइड में। पहला पॉइंट क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इट इज प्रपोल्ड ओनली फॉर ए ब्रीफ ड्यूरेशन। जैसे हम देख लिया कि आधी दूरी तक इसको प्रपोल्ड करने की जरूरत पड़ती है। क्रूज मिसाइल इज सेल्फ प्रोपेल्ड टिल एंड ऑफ इट्स फ्लाइट, तो इसको एंड ऑफ फ्लाइट तक इसको प्रपोल करने की जरूरत पड़ेगी। तो सिमिलर बैलिस्टिक मिसाइल है वो क्या है, रॉकेट की तरह है, ये जेट की तरह है, जेट इंजन की तरह क्रूज मिसाइल। तो लॉन्ग रेंज हो सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल है वो लॉन्ग रेंज हो सकती है, जबकि क्रूज मिसाइल है वो स्मॉल कम रेंज होती है, क्योंकि इसको ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है। तो इसका जो प्रसीजन है बैलिस्टिक का कम होता है, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रसीजन कम होता है, और इसका प्रसीजन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सीधी टारगेट करती है, सीधा टारगेट करती है, इसका प्रसीजन ज़्यादा होता है, ये घूम के आती है ऊपर से, इसका प्रसीजन कम हो जाता है, ग्रेविटी के अंदर काम करती है ना इसलिए। तो इसको हम मैन्यूरेबल कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर हम एक से यहाँ से लॉन्च किए तो मल्टी टारगेट्स लॉन्च कर सकते हैं एक टाइम पर ही, मल्टी टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से वापस आती है, तो ये
ए को भी टारगेट कर लेंगे, फिर बी को भी टारगेट किया जा सकता है, इसे दोनों को टारगेट कर सकते हैं। ठीक, तो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी ज़्यादा रेंज हो सकती है क्योंकि इसको फ्यूल नहीं कम चाहिए होता है, इसकी रेंज कम होती है क्रूज मिसाइल की। हैवी पेलोड हमने देख लिया था कि बैलिस्टिक में हैवी पेलोड होता है, इसमें फिर हमने देखा इसकी पेलोड कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि इसको फ्यूल भी कैरी करना पड़ेगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल हमने अभी देखा कि मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकती है, यूजुअली ये सिंगल पेलोड के लिए बनाई जाती है क्रूज मिसाइल। ये एटमॉस्फेयर से बाहर भी जाती है, ये हम देख लिया, ये न्यूक्लियर के लिए की बातें देख सकते हैं। अब बैलिस्टिक का एग्जांपल कौन कौन से हैं? बैलिस्टिक का एग्जांपल है पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी जो मिसाइल है वो एग्जांपल है पृथ्वी के। दोनों अग्नि मिसाइल इज बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि टू इज बैलिस्टिक मिसाइल, धनुष मिसाइल क्या है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। जबकि क्रूज मिसाइल का एग्जांपल कौन सा है? ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी, वो क्या है? क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, वो क्रूज मिसाइल है। निर्भय मिसाइल भी क्या है? निर्भय। आकाश, ये सारी क्या है? क्रूज मिसाइल है। अगला टॉपिक के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबमरीन क्या होती है? सबमरीन अंडर वाटर व्हीकल होता है जो पानी के अंदर चलता है। तो सबमरीन को कन्वेंशनल सबमरीन के अंदर होती है वो डीजल इंजन से पावर की जाती है, और न्यूक्लियर सबमरीन होती है वो न्यूक्लियर पावर से चलती है। टॉरपेडो क्या होता है? टॉरपेडो एक सेल्फ प्रोपोल्ड अंडरवाटर मिसाइल होती है, ये एक अंडरवाटर मिसाइल डिजाइन होती है जो कि हमारा टारगेट होता है, जैसे शिप चला आ रहा है सबमरीन को हिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है टॉरपेडो को। टॉरपेडो का एग्जांपल क्या है? इंडिया ने इंडिजीनियस बनाया था अपना टॉरपेडो वरुणास्त्र, वरुणास्त्र। इसकी वरुणास्त्र क्या है? एक टॉरपेडो है जिसकी रेंज कितनी है? अराउंड 300 किलोमीटर इसकी रेंज है। डीआरडीओ ने डेवलप किया था इसको, इंडिजीनियसली बनाया गया है ये। तीसरा है एंटी मिसाइल बैलिस्टिक सिस्टम। एंटी मिसाइल बैलिस्टिक सिस्टम क्या होता है कि ये जो मिसाइल कोई हमारे देश पे अटैक कर दे, यानी पाकिस्तान हमारे कंट्री पे, ये इंडिया है, देखो ये इंडिया है, ये यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है सीधा हमारे एनिमी। पाकिस्तान यदि हम पे अटैक करे मिसाइल से, इधर से मिसाइल छोड़ दे, और हमारे पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो तो हम उस मिसाइल को हवा में भी उड़ा देंगे। उसका उड़ाने के लिए हमारे पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्या होता है? एक रडार होना चाहिए जो आइडेंटिफाई करे इनकमिंग मिसाइल को, दूसरा एक मिसाइल भी होना चाहिए इसके अंदर जो इसको टारगेट कर सकते, जो इनकमिंग मिसाइल को टारगेट करे। ठीक, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि S-400 सिस्टम है जो इंडिया रशिया से खरीद रहा है। किसका? रशिया का है ये, जो इंडिया रशिया से खरीद रहा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो क्या है? एंटी मिसाइल बैलिस्टिक सिस्टम है। इंडिया का अपना भी है, इंडिया का जो अपना है उसमें क्या है, हम दो चीज़ें यूज करते हैं, उसमें दो तरह की मिसाइल यूज करते हैं हम। इंडिया का जो अपना है उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं? इसमें लो एटमॉस्फेयर के लिए, एंडो एटमॉस्फेयर के लिए हम पृथ्वी का यूज करते हैं, पृथ्वी का, और जो है एक्जो के लिए हम यूज करते हैं नीचे वाले के लिए हम यूज करते हैं एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम क्या है? अश्विन मिसाइल। ये 0 से 30 किलोमीटर तक, 5 से 30 किलोमीटर का टारगेट है, वो हाइट का एल्टीट्यूड की रेंज पे आएगा तो इसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है अश्विन मिसाइल सिस्टम। और पृथ्वी वाला है वो इसको कर सकता है ऊपर वाला को, यानी कि 50 से 80 के बीच में, 80 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे टारगेट को पृथ्वी डिफेंस सिस्टम है वो हिट कर सकता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का एक और एग्जांपल है, वो कौन सा है? सी डोम है वो, सी डोम। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का दो एग्जांपल और बताते हैं आपको, एक है सी डोम, ये अभी न्यूज में रहा था। किसका है सी डोम? ये इसराइल का है, इसराइल का। इसको प्रोटेक्टिव
डोम भी कहते हैं। दूसरा है थर्ड मिसाइल, थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम, ये यूपीएससी के अंदर पूछा गया था। थर्ड एंटी मिसाइल बैलिस्टिक सिस्टम था, ये किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। सी डोम किसका है? इसराइल का है। थर्ड किसका है? यूएसए का है। ये सारे एग्जांपल्स अभी न्यूज में रहे थे। थर्ड वाला पूछा जा चुका है 2016 के अंदर कि थर्ड क्या था। अगला टॉपिक क्या है? अगला है रडार। रडार क्या होता है? रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए यूज करता है, आइडेंटिफाई करता है। ये एक डिटेक्शन सिस्टम होता है जो डिटेक्ट कर लेता है, इसको एयरक्राफ्ट को, शिप्स को, इन सब को डिटेक्ट कर सकता है, मिसाइल को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो ये रेडियो वेव्स का यूज करते हुए डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। तार सिस्टम जनरली इसमें एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है, तो जो वापस आता है, आने जाने में कितना टाइम है वो नोट करके इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। सिमिलरली जो ओशन के अंदर क्या होता है, रडार जैसा एक सिस्टम होता है, इसका नाम क्या है? सोनार सिस्टम, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये यूज किया जाता है। क्योंकि ओशन के अंदर, वाटर के अंदर साउंड वेव ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है, इसलिए सोनार सिस्टम यूज करते हैं। तीसरा है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? एयरबोर्न रडार होता है जो कि डिटेक्ट कर सकता है एयरक्राफ्ट, शिप एंड व्हीकल एट लॉन्ग रेंज पे ही डिटेक्ट कर लेगा ये। तो डीआरडीओ इसका जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है? नेत्रा सिस्टम है जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है, इंडिजीनियसली सिस्टम है ये। डीआरडीओ ने अभी इसको डिटेक्ट किया है, नेत्रा इंडिया का अर्ली वार्निंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक, फाल्कन सिस्टम है, ये शायद यूएस का है, ये इंडिया हम इंपोर्ट कर रहा है। स्टेल्थ क्या होता है? स्टेल्थ एक कंडीशन होती है जिसमें इट इज एबिलिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू हाइड इट सेल्फ फ्रॉम दी विजिबिलिटी। इसमें ऐसी एबिलिटी जिसमें हम दूसरों को दिखाई नहीं दे, जिसमें जो जहाज है किसके लिए चाहिए होती है? ये हाई सिक्योरिटी के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का जहाज जा रहा है, दूसरा हम किसी पर अटैक करते हैं, तब इसमें आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकें दूसरे कंट्रीज के द्वारा हमारी मिसाइल्स को, तो उसमें हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक, अगला जो है हमारा जो टॉपिक है वो देखते हैं। डीआरडीओ कब बना था? डीआरडीओ 1958 के अंदर डीआरडीओ का गठन किया गया था। एंड मोटो क्या है डीआरडीओ का? ब्लासे मूलम विज्ञानम, ये डीआरडीओ का मोटो है, पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम्स में। डीआरडीओ ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम, 1983 में लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम पूरा हुआ था 2008 के अंदर। इसके अंदर इंडिया ने 5 मिसाइल डेवलप की थी। इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना था मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, सेल्फ सफिशिएंट इन मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये प्रोग्राम ब्रेन चाइल्ड था किसका? एपीजे अब्दुल कलाम जी का, कलाम साहब का ये ब्रेन चाइल्ड था। इसके अंदर हमने 5 मिसाइल कौन कौन सी डेवलप की थी? पटना PATNA, ये 5 मिसाइल हमने इस प्रोग्राम के अंदर डेवलप की थी। पटना कौन सी है? पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग एंड अग्नि, ये 5 हमने डेवलप की है इसके अंदर, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। ये प्रोग्राम 2008 के अंदर पूरा हो चुका है। तो पृथ्वी पहली मिसाइल थी जो इसके अंदर डेवलप की गई थी। पृथ्वी हमने अभी देखा, एक क्रूज मिसाइल है, क्रूज नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी क्या देखा हमने? पृथ्वी क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि क्या है? अग्नि भी क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी एंड अग्नि क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। नाग क्या है? ये एंटी टेक मिसाइल है। बाकी के बारे में आगे देखते हैं।
अभी जो पहला टॉपिक दिया हुआ है पीटी 365 के अंदर वो हाइपरसोनिक मिसाइल से हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत वजह से न्यूज़ में रहा है। तो रशिया ने हाइपरसोनिक वेपन यूज किया था यूक्रेन के अगेंस्ट में। तो रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है ये आपको बताना है। रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? जिरकॉन। जिरकॉन पीटी 365 नहीं दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हो। जिरकॉन है वो रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका दूसरा नाम भी है सिरकान। सिरकान इसका दूसरा नाम क्या है? सिरकान। जिरकॉन या सिरकान इसको बोला जाता है। ये रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल है। साउथ कोरिया एक हाइपरसोनिक वेपन डेवलप कर रहा है जिसका नाम क्या है? हाई कोर। ये साउथ कोरिया का हाइपरसोनिक वेपन होगा यानी कि मिसाइल होगा। एक यूएस का मिसाइल है। यूएस का हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? रेथियन यूएस का है। जिरकॉन किसका हो गया? रशिया का। हाइकोर किसका हो जाएगा? साउथ कोरिया का। रेथियन किसका है? यूएस का है। अब देख लेते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल से पहले से देखते हैं मैक नंबर के बारे में क्या होता है। मैक नंबर क्या होता है? तो मैक नंबर होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड ये मैक नंबर के बराबर होता है। तो इससे पता चलता है कि कितना फास्ट सिस्टम है। जब ये मैक नंबर एक से कम होता है तो वो सब सोनिक सिस्टम होता है। मोर देन एक से पांच के बीच में क्या होगा? वो एक होगा, तब उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसोनिक बोलते हैं। एक वाले को मैक नंबर एक के बराबर है, मैक नंबर इज इक्वल टू वन, दैट इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है, तब वो क्या हो जाएगा? ट्रांसोनिक सिस्टम। मोर देन फाइव हो जाएगा, मैक नंबर मोर देन फाइव, तब इसको बोलेंगे हाइपरसोनिक सिस्टम। और एक से ज़्यादा, मोर देन वन और पाँच से कम, एक से ज़्यादा और पाँच से कम ऐसा सिस्टम, तो उसको बोलेंगे हम सुपर सोनिक सिस्टम। ब्रह्मोस क्या है? एक सुपर सोनिक सिस्टम है जिसका मेक नंबर कितना है? 2.8 से 3 के बीच में है। ब्रह्मोस क्या है? सुपर सोनिक है, सुपर सोनिक मिसाइल इंडिया की। ठीक, अब हाइपरसोनिक मिसाइल है वो जिनका मैक नंबर 5 से ज़्यादा होगा, यानी कि हम इससे देखें तो स्पीड ऑफ उसकी स्पीड है वो मोर देन 5 टाइम है। स्पीड ऑफ मिसाइल क्या है? मोर देन 5 टाइम स्पीड ऑफ साउंड है। स्पीड ऑफ एयर नहीं है, स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक, तो इसके 5 गुना ज़्यादा है, तो ये बहुत फास्ट होगी ये। ठीक, तो हाइपरसोनिक व्हीकल आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आर्म्स व्हीकल हैं जिनको कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वारहेड दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं हाइपरसोनिक व्हीकल, दो प्रकार के होते हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एंड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है वो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ होगी। ये जो सिस्टम है ये लाल वाला, रेड वाला देखो, इसमें नीचे वाला, ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम कर रही है। और हाइपरसोनिक ग्लाइड है, ग्लाइड व्हीकल क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम कर रही है। ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम कर रही है, यानी कि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह भेजा गया है ये बैलिस्टिक मिसाइल, ऊपर वाला वन वाला। और टू वाला क्या है? ग्लाइड व्हीकल है, यानी कि ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है वो क्रूज मिसाइल हो जाएगी। ठीक है, क्रूज मिसाइल क्या है? डायरेक्टेड है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड क्या है? बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन फोर फाइव टाइम है। ठीक है,
तो इसमें एक ऐसा सिस्टम लगा जाता है, इनको मैन्यूरेबल किया जा सकता है, इसी स्पीड पे इसको मैन्यूरेबल किया जा सकता है, यानी कि इनकी चेंज किया जा सकता है लोकेशंस को, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर है, इसको ऐसे मैन्यूरेबल करके इसको घुमाया जा सकता है। ठीक, तो इसको डिटेक्ट करना फिर आसान नहीं होगा नॉर्मल रडार के लिए, नॉर्मल रडार के लिए इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा। ठीक, इसलिए ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल है वो स्क्रैमजेट इंजन के द्वारा पावर की गई है, स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन के बारे में हम आगे देखेंगे। तो हाइपरसोनिक मिसाइल हमने देखा कि दो प्रकार की होती है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्रूज रॉकेट की तरह काम करेगी, ग्लाइड वाली है वो ऐसे जाएगी बैलिस्टिक की तरह। क्रूज वाली जेट प्रोपेलेंट होगी, जेट प्रोपेलेंट होगी तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, स्क्रैमजेट इंजन का यूज करेंगे, स्क्रैमजेट। इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। ठीक, इनको रॉकेट से लॉन्च किया जा सकता है, ट्रैक एंड इंटरसेप्टेड है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पावर्ड बाय स्क्रैमजेट, उनको मैन्यूरेबल होगा इसलिए डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ठीक, इसका फायदा क्या क्या हो जाए, इंडिया ने भी क्या है एक हाइपरसोनिक व्हीकल टेस्ट किया था, हाइपरसोनिक व्हीकल टेस्ट किया था, डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट बनाया नहीं है अभी तक, टेस्ट किया था। इसका फायदा क्या हो जाएगा, इसमें फिर हाइपरसोनिक में कम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, लॉन्च व्हीकल की तरह यूज किया जा सकता है, एनसेंसिटिव एरोडायनामिक्स इसमें फायदा होगा, देन फास्टर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है सिविलियन के लिए, यदि ये टेक्नोलॉजी आगे डेवलप कर सकती है तो लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप कर सकते हैं, इंटरमीडिएट मिसाइल यानी कि कॉन्टिनेंटल मिसाइल भी डेवलप कर सकते हैं। अब स्क्रैमजेट इंजन ये यूज करेगी, तो स्क्रैमजेट इंजन और रैमजेट इंजन क्या होता है, व्हाट इज स्क्रैमजेट इंजन जो यूज किया है हाइपरसोनिक में वो होता क्या है, स्क्रैमजेट एंड रैमजेट। रैमजेट इंजन क्या होता है, रैमजेट इंजन के अंदर हम क्या है, जो फ्यूल है, एक फ्यूल होगा दूसरा ऑक्सीडाइजर होगा, ऑक्सीडाइजर को हम हवा से लेते हैं, एयर से ले लेते हैं, सिंस ये 50 से 80 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पे काम करती है तो इतने तक एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर से हम क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं। ठीक, ऑक्सीडाइजर क्या है, इसमें एयर यूज किया जाता है, एयर से ऑक्सीडाइजर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो रैमजेट में क्या है, रैमजेट में ये मिसाइल इधर जा रही है, ठीक है, ये मिसाइल इधर की तरफ जा रही है, ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रही है, तो ये यहाँ से हवा लेगी, इधर से ये अंदर में हवा लेगी, ठीक है, तो इसमें जो रैमजेट के अंदर जो हवा आती है तो उसको ये कंप्रेस कर देगा, ये जो सिस्टम है उसको कंप्रेस कर देगा और उसकी स्पीड क्या है, कम कर देगा, स्पीड को कम कर देगा, स्पीड को कम कर देगा और फिर उसको एज ए ऑक्सीडाइजर यूज करके इसको कंबसन करा लिया जाएगा, ऑक्सीडाइजर का यूज करते हुए इसको कंबसन कराया जाएगा। ठीक, फ्यूल के साथ इसको मिक्स करके इसका कंबसन हो जाएगा कंबसन चैम्बर में, तो ये सबसोनिक स्पीड पे काम करेगा, इसका कंबसन कहाँ पे होगा, रैमजेट के अंदर सबसोनिक स्पीड पे होगा। ठीक है, स्क्रैमजेट क्या है, स्क्रैमजेट इसी का एडवांस वर्जन है रैमजेट का, उसके अंदर हम सुपरसोनिक सबसोनिक स्पीड पे कर रहे हैं कंबशन रैमजेट के अंदर, इसके अंदर क्या है, हम स्क्रैमजेट के अंदर सबसोनिक कंबशन कर रहे हैं, सबसोनिक स्पीड पे कर रहे हैं, तो ये जो रैमजेट है, रैमजेट के आगे एसी लगा दो तो ये स्क्रैमजेट बन जाएगा। ठीक, तो स्क्रैमजेट के अंदर क्या है कि हम इसको जो एयर यहाँ से अंदर लेते हैं उसको कंप्रेस नहीं करते हैं, तो उतनी स्पीड पे जितनी से ले रहे हैं, हाइपरसोनिक स्पीड पे चल रही है तो ये हाइपरसोनिक स्पीड पे ही होगा, ये सुपरसोनिक पे ही कर लेंगे हम, सुपरसोनिक स्पीड पे ही इसको हम हाइपरसोनिक नहीं सुपरसोनिक स्पीड पे इसको करवाया जाता है, ये एयर है उसको कंप्रेस नहीं करते हैं, जितनी स्पीड से आ रही है उतनी स्पीड पे उसको ले लेंगे, तो सुपरसोनिक स्पीड पे इसको हम करा लेंगे, तो यहाँ पे कंजम्पशन क्या होगा, सुपरसोनिक स्पीड पे होगा, तो यहाँ पे ये ज़्यादा फास्टर होगा स्क्रैमजेट। ठीक, आगे देखते हैं इनके बीच में एयर ब्रीदिंग इंजन कैसे काम करते हैं, ये हमने देख लिया, बेसिक डिफरेंस बिटवीन
एयर ब्रीदिंग सिस्टम एंड अदर इज दैट दे यूज द ऑक्सीडाइजर का कैसे यूज करते हैं, स्क्रैमजेट वाले हैं वो ऑक्सीजन से ही एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और ये ब्रीदिंग सिस्टम का तीन प्रकार बताया जाएगा, रैमजेट, स्क्रैमजेट एंड तीसरा क्या है डुअल मोड, यानी कि जो दोनों की तरह काम करे, रैमजेट और स्क्रैमजेट की तरह। ठीक, तो ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अगला टॉपिक देखते हैं हेलिना। अगला टॉपिक क्या है, अभी छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। हेलिना क्या है, हेलिना क्या है, ये एक हेलीकॉप्टर वर्जन है, एक मिसाइल, एंटी टैंक गाइड मिसाइल बनाई गई थी, नाग डेवलप की थी, एंटी टैंक गाइड मिसाइल जो डेवलप की थी डीआरडीओ ने नाग, तो ये क्या थी, एंटी टैंक मिसाइल थी, यानी कि टैंक को उड़ाने के लिए काम आती थी। अभी उसको हेलीकॉप्टर से लेके जा रहे हैं, उसको हेलीकॉप्टर पे फिट कर दी, हेलीकॉप्टर कौन सा हेलीकॉप्टर फिट किया है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पे इसको फिक्स कर दिया है, तब उसको क्या बोलेंगे, फिर हेली प्लस नाग देखोगे तो हेली प्लस नाग हेलिना बन जाएगा, फिर वो हेलीकॉप्टर से यूज करेंगे तब हेलिना बन जाएगा, जिसके कारण इसकी रेंज क्या है वो बढ़ जाती है। अर्लियर 3 किलोमीटर तक, 3 से 4 किलोमीटर तक रेंज थी नाग की, अभी इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर तक, हेलिना की रेंज कितनी है 7 किलोमीटर तक है। हेलिना किसके लिए है, आर्मी के लिए है, और इसका नेवल वर्जन है, एयरफोर्स के लिए क्या है, ध्रुवास्त्र है एयरफोर्स के लिए। तो ये क्या है, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना, जो कि फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करेगी, यानी कि एक बार इसको फायर कर दी तो आप भूल जाओ, ये अपने आप टारगेट को उड़ा देगी। अगला टॉपिक क्या है, सेंट, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, तो ये सेंट है, सेंट, तो ये सेंट मिसाइल है, ये डीआरडीओ और एयरफोर्स ने मिलकर डेवलप की है, इसको लॉन्च किया गया था, इंडिजीनियसली डिजाइन की गई है, इसके अंदर एमएमडब्ल्यू सीकर लगा होता है, मल्टी मीटर वेव सीकर टेक्नोलॉजी लगी होती है, जो कि सारे कंडीशन में काम करती है दिन और रात। इसकी रेंज कितनी है, सेंट की रेंज कितनी है, 10 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी कि 10 किलोमीटर तक ये डिटेक्ट कर लेगा। इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप, तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा और ये टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देगा, खुद से ही डिटेक्ट करेगा, फिर उसको डिटेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। ये 10 किलोमीटर इसकी रेंज है, 10 किलोमीटर तक इसको लॉन्च कर दिया तो वो उड़ा देगा। ये भी फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल काम करता है, ये सेंट है, वो दिन और रात दोनों सिस्टम में काम करेगा, दिन और रात को भी काम करेगा। अभी ये जो टेबल है उसमें दिया हुआ है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल कौन कौन सी है, पृथ्वी है, धनुष है, अग्नि है, सूर्य है, प्रहार है, ये सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, और इनकी रेंजेस भी दी हुई है, पृथ्वी में 200 किलोमीटर है, कितने का पेलोड ले जा सकती है, 1000 का पेलोड ले जा सकती है, अग्नि कितने का है, अग्नि 1000 का करीब का पेलोड ले जा सकती है, देन अग्नि 2 से लेके 4 तक क्या है उनकी रेंजेस दी हुई है, अग्नि मिसाइल्स की रेंजेस क्या हैं, अग्नि मिसाइल अग्नि 1, अग्नि के अंदर हमने 5 मिसाइल डेवलप की है, अग्नि 1 से लेके अग्नि 5 तक, तो अग्नि 2, 3, 4 क्या है, ये है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है। अग्नि 1 की रेंज कितनी है, अग्नि 1 की रेंज है वो 700 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर तक टारगेट डिलीवर कर सकती है, देन अग्नि 2, 3 इसके बाद में रेंज है वो 2000, 3000, 2 की कितनी है, 2 की 2000 है, 2000 है, 3 की 3000 है, 4 की 4000 है, 5 की मोर देन 5000 है, और 6 अंडर डेवलपमेंट स्टेज में चली जा रही है, उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन मिसाइल्स को हमने डेवलप किया है, अग्नि मिसाइल को, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के अंदर इसको डेवलप किया गया था, अभी भी ये चल रहा है, अग्नि 1 से अग्नि 3 उसके अंदर आती थी, उसके बाद वाला इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। फिर क्रूज मिसाइल का एग्जांपल्स देख लो, इसमें क्रूज मिसाइल क्या है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल में निर्भया मिसाइल है, ब्रह्मोस है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एग्जांपल क्या है, ब्रह्मोस है, मोर देन 300 किलोमीटर हो जाएगी। अब एयर टू एयर मिसाइल का एग्जांपल क्या है, अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन कौन सी हैं, हेलिना होगी हमने अभी देखा है, नाग भी देख ली अभी, डन,
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, हमने पहले बात की थी पृथ्वी एंड एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात की थी। तो पृथ्वी को एक्जो एटमोस्फेयर के लिए यूज करते हैं, 50 से 80 किलोमीटर वाला उड़ाने के लिए यूज करते हैं। 50 से 80 किलोमीटर हमने देखा था कि ऊपर वाले में इसमें यूज कर रहे हैं, और नीचे वाले में हम क्या यूज कर रहे हैं, नीचे वाले सिस्टम के लिए 15 से 30 किलोमीटर के लिए, 1530 किलोमीटर के लिए एल्टीट्यूड पे हम एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि अश्विन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का यूज कर रहे हैं। इसको अश्विन बोलते हैं, अश्विन। ठीक है, फिर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, त्रिशूल है, आकाश है, मैत्री है, बराकेट है, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसमें कौन कौन सी है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल में त्रिशूल है, आकाश है, मैत्री है, ब्राकेट है। आकाश सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल थी, ओरिजिनली कितनी है, शॉर्ट रेंज है ये आकाश ओरिजिनली, जिसकी रेंज कितनी थी, 30 किलोमीटर रेंज थी, और पेलोड कितना ले जा सकती थी, 50 केजी का पेलोड ले जा सकती थी। अभी आकाश के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, न्यूज़ में रही थी आकाश। तो ये सबमरीन मिसाइल कौन सी है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं कुछ, K-15 सागरिका है, K-4 है, इनके बारे में एक टेबल को आराम से रोक के देख लो। फिर सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया है, निर्भया क्या है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज कितनी है, लगभग 500 से 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है, कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन पावर्ड है, ये न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर सकती है निर्भया मिसाइल, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, 1000 केजी का डेवलप वेपन तक को ये डिलीवर कर सकती है, के न्यूक्लियर लोड को डिलीवर करेगी ये। ठीक है, फिर अग्नि मिसाइल न्यूज़ में रहा था, क्योंकि हमने अग्नि हमने देखी, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 तक देख ली है। ठीक है, अग्नि 1 क्या है, शॉर्ट रेंज मिसाइल थी, यानी कि 700 से 800 किलोमीटर तक वो जा सकती है। ठीक, अग्नि प्राइम क्या है, अग्नि प्राइम है वो, अग्नि 1 का एक एडवांस वर्जन है, अग्नि 1 का एडवांस वर्जन है। तो ये भी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज कितनी होगी, 1000 से 1500 किलोमीटर इसकी रेंज होगी अग्नि प्राइम की। अग्नि की कितनी थी, 700 किलोमीटर अग्नि की है, अग्नि 1 की है, इसकी कितनी हो जाएगी, डबल, 1500 तक। तो इसमें टू स्टेज है, कैनिस्टर्ड है, तो यानी कि एक व्हीकल पे लगाया गया है इसको, कैनिस्टर्ड में इसको यूज कर सकते हैं, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि 1 हमने देख लिया कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस से सरफेस पे ही टारगेट करती है। ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस से इसको लॉन्च किया जाता है, फिर ये सरफेस पे ही टारगेट करती है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि 5 हमने देखा था इसकी रेंज कितनी थी, मोर देन 5000। ठीक, तो अग्नि 5 की रेंज है, अग्नि सीरीज की ओनली मिसाइल है जो 3 स्टेज में है, ये अग्नि 5 किस में है, 3 स्टेज है, बाकी अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 4 क्या है, अग्नि 1 से अग्नि 4 क्या है, अग्नि 1 से लेके अग्नि 4 तक क्या है, वो क्या है, 2 स्टेज है, और अग्नि 5 है वो 3 स्टेज मिसाइल है। इसमें 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन यूज किया गया है, जो हम देखते हैं, पहले देख चुके हैं हम स्पेस वाले पोर्शन में क्या क्या है, अग्नि 1 के रेंजेस दी हुई है, ये हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगला है आकाश मिसाइल, तो आकाश मिसाइल की रेंज कितनी थी, 25 किलोमीटर तक थी रेंज, 25 किलोमीटर। ठीक, ये भी आकाश भी क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, और पृथ्वी क्या थी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, पृथ्वी क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और अग्नि क्या है, अग्नि सरफेस टू एयर सरफेस मिसाइल है, आकाश क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस से एयर मिसाइल है। तो आकाश का नया वर्जन डेवलप किया गया था, नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल डेवलप की गई है, इसलिए न्यूज में रहा था। नेक्स्ट जनरेशन आकाश है, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, बढ़ के 60 किलोमीटर हो जाएगी, आकाश की रेंज कितनी है, 30 किलोमीटर है, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर, आकाश अंजी की, आकाश नेक्स्ट जनरेशन की रेंज इतनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर, और ये सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक बन गई है अभी, 2.5 के मेक नंबर है इसका, तो सरफेस टू एयर मिसाइल टारगेट होगी, ये मोबाइल टारगेट होगी, तो ये कितना है, मीडियम रेंज मिसाइल है, मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक, तो इसमें 2 स्टेज है, और नया सीकर इसमें लगाया गया था, आकाश प्राइम, नेक्स्ट जनरेशन आकाश के बाद में एक आकाश प्राइम भी बनाई गई है, ये
आकाश मिसाइल का एक नया वर्जन है, आकाश प्राइम। ठीक, इसमें इंडिजीनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगाया गया है, सीकर उसको आइडेंटिफाई कर लेता है टारगेट को। आकाश मिसाइल है इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोड्यूस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम मोबाइल प्लेटफॉर्म से ही लॉन्च किया जा सकता है इसको। तो अगला टॉपिक है वो हमारा है मैन पोर्टेबल एंटी, ये क्या है, MPATG क्या है, मैन पोर्टेबल। ये देखो इसमें मैन है उसको उठा के ले जाता है, ये सिस्टम है जो ये MPATG है, इसने डेवलप किया है, DRDO ने डेवलप किया है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। ठीक है, ये सिस्टम DRDO ने डेवलप किया है। इसकी इसका जो मास होता है, इसका जो मास और वेट बलोगे तो वो कितना है, वेट या मास कितना हो जाएगा, उसका मास है 15 kg, इसका वेट है 15 kg। तो हम इसको उठा के ले जा सकते हैं। और इसकी रेंज कितनी है, रेंज है इसकी 5 किलोमीटर, तो ये नहीं दिया हुआ है PT365 में, आप नोट कर सकते हो। तो रेंज इसकी 5 किलोमीटर है, वेट कितना है 15 किलोमीटर है, DRDO ने डेवलप किया है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा ब्रह्मोस है। तो ब्रह्मोस न्यूज़ में क्यों क्यों रहा था, क्योंकि इंडिया है, इंडिया फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचेगा, फिलीपींस को। तो फिलीपींस फर्स्ट कंट्री होगा जो इंडिया से ब्रह्मोस खरीदेगा। तो ब्रह्मोस की रेंज कितनी होती है, 290 किलोमीटर के करीब है। इसको इंडिया ने MTCR ज्वाइन कर लिया, तो इसको बढ़ाने पर भी बात चल रही है। ब्रह्मोस क्या है, एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसका मेक नंबर क्या है, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है इंडिया की, जो जिसका मेक नंबर 2.8 है। ये क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, फायर एंड टारगेट प्रिंसिपल पे काम करती है, बहुत सारे मल्टीपल टारगेट से, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये 2-स्टेज मिसाइल है, एंड इसका जो नाम है ब्रह्मोस, वो ब्रह्मपुत्रा प्लस मोसाकवा, मोस्कवा रिवर है, ये रशिया की है। ब्रह्मोस क्या है, इंडिया और रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर है, रशिया और इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है। इसकी रेंज हमने देख ही ली है 290 किलोमीटर, MTCR ज्वाइन करने के बाद हम इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। अगला टॉपिक है वो हमारा है वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल है जो हमारे बहुत क्लोज टारगेट है, जैसे कि हमारे ऊपर टारगेट आ गया कोई, ये हमारे एयरप्लेन जा रहा है, ठीक है, एरोप्लेन जा रहा है, इसके ऊपर कोई टारगेट आ गया बहुत पास में, इसको डिस्ट्रॉय करना है हमें, तो इसके लिए वर्टिकल लॉन्च की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए इसको वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल बनाया गया है, ये क्लोज रेंज के टारगेट को उड़ा देगी, DRDO ने बनाया है। तो इसका जो यूज है वो ओशन में भी किया जाएगा, नेवी भी इसका यूज़ करेगी, नेवी यूज़ करेगी तब इसको बोलते हैं सी स्कीमिंग टारगेट्स को उड़ाने के लिए। सी स्कीमिंग टारगेट कौन से होते हैं, जो सी के सरफेस पे, सरफेस के आसपास चलने वाले टारगेट है, ये सी सरफेस है, इसके ऊपर जो चलने वाला है, इसके बहुत कम पास में, ताकि उसको रडार से डिटेक्ट नहीं किया जा सके। तो ये वर्टिकल लॉन्च इंडिया ने लॉन्च की थी, डेवलप कर ली है। अगला है वो परले मिसाइल है। परले मिसाइल किसके द्वारा, इंडिया की है, DRDO ने डेवलप की है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक, अग्नि भी क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है परले की, 150 से 500 किलोमीटर इसकी रेंज है, 150 से 500 किलोमीटर। स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इसकी एक्यूरेसी है वो लेस देन 10 मीटर है, एक्यूरेसी यानी कि 10 मीटर से कम है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है 10 मीटर के एरिया में। इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज 150 से 500 किलोमीटर रेंज हमने देख ली, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। ठीक है, अगला टॉपिक है वो है स्मार्ट। स्मार्ट क्या है, स्मार्ट एक टॉरपेडो है, टॉरपेडो हम देख लिया है, टॉरपेडो क्या होता है, जो सी में चलता है, सी के अंदर चलाता है, सी के अंदर एंटी मिसाइल सिस्टम होता है जो, उसको टॉरपेडो बोलते हैं। तो ये स्मार्ट डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। स्मार्ट क्या है, सुपरसोनिक स्पीड पे काम करेगा ये, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपेडो, ठीक, DRDO ने बनाया है।
इसके लॉन्ग रेंज होगी, ये नेक्स्ट जनरेशन है, इससे हमारी सबमरीन कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, वन लाइन क्वेश्चन आएगा आएगा, तभी स्मार्ट क्या है, स्मार्ट क्या है, एक टॉर्पेडो है। वर्णास्त्र भी क्या था, एक टॉर्पेडो है। अगला टॉपिक क्या है, सौ क्या है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। एंटी एयरफील्ड वेपन है जो इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने मिलकर बनाया है। तो सौ इज ए इंडिजिनियसली डिजाइन स्मार्ट वेपन, जिसकी रेंज कितनी है, 100 किलोमीटर इसकी रेंज है, और इसमें एक ऑप्टिकल सीकर लगा होता है। पहली बार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर जो इंडिजिनियसली बनाया गया इंडिया के अंदर वो लगा होगा। इसके अंदर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, वो डिटेक्ट कर सकता है, इट इज काइंड ऑफ रडार। तो ये रडार, बंकर, टेक्स वेयर्स कैन टारगेट द एनिमी एयरफील्ड एसेट, को इनको टारगेट कर सकता है। इसकी रेंज कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो ये जो है उनको आइडेंटिफाई कर लेगा और उनको टारगेट कर लेगा। अलरोस क्या है, ये लॉन्ग रेंज रिकॉन्सिनेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। इसमें इसके अंदर है, क्या है, लॉन्ग रेंज रिकॉन्सिनेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। ये रिकॉन्सिनेंस के लिए यूज किया जाएगा, इसको हम डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पे और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। इसमें सेंसर सिस्टम लगे होते हैं जो कि लॉन्ग रेंज रिकॉन्सिनेशन में हमें हेल्प करते हैं। दिन और रात में ये काम करता है एंड ये हमें इन्फिल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने में काम हेल्प करेगा। तो बोस सिस्टम क्या था, बोस है वो क्या है, बोस है ये बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम था, DRDO ने बनाया था, आर्मी इसको यूज कर रही है बोस का। अगला टॉपिक है वो इंद्रजाल है, इंद्रजाल। तो ये क्या है, ऑटोनॉमस डिफेंस वेपन है जो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करता है। ये 1,000 से 2,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर ये डिटेक्ट कर सकता है। किसको डिटेक्ट कर सकता है, अनमैन्ड एयर व्हीकल को डिटेक्ट कर सकता है, मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है, रॉकेट को डिटेक्ट कर सकता है, इन सभी को ये डिटेक्ट कर सकता है 1,000 से 2,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी लगी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स का यूज करता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है इंद्रजाल, DRDO का नहीं है, ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ग्रेने रोबोटिक्स ने इसको बनाया है, ग्रेने रोबोटिक्स ने इसको बनाया है, इंडिया का ही है इंद्रजाल। तो ये हमारे हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में थ्रेट्स को। अगला क्या है, चेफ टेक्नोलॉजी। चेफ टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी होती है, हाई वैल्यू टारगेट्स को बचाने के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर क्या है कि जो हाई वैल्यू टारगेट्स है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का एरोप्लेन जा रहा है, तो उसको वो हमें स्टेल्थ में रखना है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी में उसको रखना है, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके, तो उसके लिए हम चेफ टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, चेफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या है, वो बता देगा कि ये जो एयरक्राफ्ट जा रहा है हमारा, तो वो इसको मल्टीपल लोकेशन दिखाएगा, इसको 4-5 जगह पे जा रहा है, इसको डिटेक्ट करना फिर आसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये इट रिफ्लेक्ट्स एज ए मल्टीपल टारगेट्स, तो मल्टीपल फॉल्स टारगेट दिखाएगा दूसरे के रडार को, दूसरे सिस्टम्स को। तो ये टेप टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इनके जाल में नहीं फंसता है। तो इसमें एडवांस चेप टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है DRDO। आयरन डोम क्या है, आयरन डोम डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, हम देख ही चुके हैं किसका है, इसराइल का है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये। इसकी रेंज कितनी है, ये 70 किलोमीटर तक डिफेंस कर सकता है आने वाली मिसाइल को। ये इसराइल का आयरन डोम लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें 70 किलोमीटर तक रेंज तक ये आइडेंटिफाई कर सकता है टारगेट्स को। इसमें मिसाइल लगी होती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे असिग्मा क्या है, असिग्मा क्या है, ये इंडियन आर्मी का एक व्हाट्सएप कह लो, इसको असिग्मा को इंडियन आर्मी का व्हाट्सएप कह लो। ये किसके लिए यूज किया जाएगा, ये एक सोशल मीडिया ऐप हो जाएगा आर्मी के लिए, इन हाउस आर्मी ने डेवलप किया है इन हाउस सोशल मीडिया ऐप, उसमें मैसेजिंग के लिए यूज किया जाएगा, ताकि जो सिक्योर मैसेज कर सके, ऊपर कमांड से लेकर हाई जो डिफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो शेयर ना हो दूसरे लोगों के साथ। ये इसने रिप्लेस किया है, एडवांस वाइड एरिया नेटवर्क को रिप्लेस किया है।
अगला टॉपिक है ऑपरेशन समुंदर सेतु। ऑपरेशन समुंदर सेतु के अंदर हम क्या किया था, इंडियन नेवी जब हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो बाहर से ऑक्सीजन लाने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुंदर सेतु लॉन्च किया था। तो अगला टॉपिक क्या है, सिप्री आर्म सेल स्टेट रिपोर्ट बोलती है, ये कहती है सिप्री एक इंस्टीट्यूट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, तो वो कहता है कि सबसे ज़्यादा आर्म्स कौन बेचता है, यूएसए बेचता है, दूसरे नंबर पे चाइना बेचता है, तीसरे पे यूके, यूएसए चाइना यूके ये तीनों फर्स्ट थ्री आर्म्स बेचने वाले कंट्री हैं। प्रोजेक्ट सीबर्ड क्या है, प्रोजेक्ट सीबर्ड अगला टॉपिक हमारा है, प्रोजेक्ट सीबर्ड इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक नेवल बेस बना रहे हैं, नेवल बेस कहाँ पे बना रहे हैं, इंडिया की वेस्ट कोस्ट पे, इंडिया की वेस्ट कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट हमारा, ये वेस्ट कोस्ट है तो इसमें कर्नाटका के कारवार्ड, ये कर्नाटक है, कर्नाटक के कारवार्ड में बना रहे हैं, कारवार में हम एक नेवल बेस बना रहे हैं, नेवल बेस, तो स्वेज नहर इधर है, यहाँ पे कहीं पे स्वेज नहर है, ठीक है, स्वेज नहर, तो इसके ईस्ट में ये लॉन्गेस्ट, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेवल बेस हो जाएगा ये, ठीक, ये लार्जेस्ट इंडिया का नेवल बेस होगा ईस्ट कोस्ट पे। अगला जो टॉपिक है वो है केड्स 500, CADS केड्स 500, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम, यानी कि एरियल डिलीवरी सिस्टम है, एरियल डिलीवरी सिस्टम यानी कि इसमें क्या करते हैं, पैराशूट, एक काइंड ऑफ पैराशूट है जिससे हम डिलीवरी देते हैं, कितने की, जो कितने केजी की डिलीवरी दे सकते हैं हम इसमें, 500 केजी की डिलीवरी दे सकते हैं, इसलिए ये 500 इसमें इंक्लूड किया गया है, 500 केजी की परफेक्टली डिलीवरी दे सकते हैं पैराशूट से, ये काइंड ऑफ पैराशूट है जो DRDO ने डेवलप किया है। अगला टॉपिक है हमारा MQ-9, MQ-9 क्या है, MQ-9 रीपर और प्रीडेटर बी आर्म ड्रोन है, ये कौन से कंट्री के हैं, USA के हैं, ये इंडिया खरीदने के लिए बारे में बात कर रहा था, MQ-9 रीपर और प्रेडेटर बी ड्रोन, ये ड्रोन है, ये USA के है, इतना याद रखना है, MQ-9 क्या है, ड्रोन है, हेरोन वन ड्रोन किसका है, इंडिया खरीदने के बारे में बात कर रहा था, हेरोन वन ड्रोन किसका है, ये इसराइल का है, इसराइल का है, और ये मेल होता है यानी कि मीडियम अल्टीट्यूड पर काम करता है, मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस होती है इनकी, मीडियम अल्टीट्यूड पर काम करता है, हेरोन वन क्या है, अनमेंड एरियल व्हीकल है, अनमेंड एरियल व्हीकल है किसका, इसराइल का, इंडिया ने इसको खरीदा है, असम में इसको डिप्लॉय किया है हेरोन को। अगला टॉपिक है हमारा आयंस, आयंस क्या था, इंडियन नेवी के द्वारा जो सिक्योरिटी डायलॉग लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या है, आयंस है, ये सिक्योरिटी का कोऑपरेशन पे बारे में बात कर रही है, रीजनल कोऑपरेशन ऑफ नेवीज इन इंडियन ओशन, इसका 7th एडिशन हुआ था अभी, ये फ्रांस में हुआ था, पेरिस में, तो ये आयंस को इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था 2008 के अंदर, इंडियन नेवी ने, तो ये एक रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन है। अगला टॉपिक क्या है, एनएमएससी क्या है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एडवाइजर या सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया गया है, एनएमएससी ये काम करेगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर में काम करेगा, और ये प्रिंसिपल एडवाइजर होगा मैरीटाइम रिलेटेड मैटर्स से, यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी से जो भी इशू आ रहे हैं, जैसे पायरेसी का है, टेररिज्म का है, मैरीटाइम सिक्योरिटी से जो भी इशू आ रहे हैं वो गवर्नमेंट को बताएगा, प्रिंसिपल एडवाइजर होगा गवर्नमेंट को, ठीक है, तो ये पोस्ट है, इसकी पोस्ट कारगिल रिव्यू कमेटी थी, उसने भी रिकमेंड की थी, कारगिल वार के बाद एक कमेटी बनाई गई थी, उसने इसको रिकमेंड किया था, कारगिल रिव्यू कमेटी ने, अभी इसको पोस्ट को क्रिएट किया गया है। अगला है मिशन शक्ति, मिशन शक्ति किसका था, मिशन था ये DRDO का मिशन था, इसके अंदर क्या किया था हमने, ये अर्थ है, इसमें एक लो अर्थ सेटेलाइट था हमारा, एक लो अर्थ सेटेलाइट था, लो अर्थ सेटेलाइट कितनी दूरी पे था, 300 किलोमीटर के ऑर्बिट पे घूम रहा था, तो उसको हमने यहाँ से एक मिसाइल लॉन्च की अर्थ से, और उसको उड़ा दिया हमने, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, एंटी सेटेलाइट टेस्ट बोलते हैं इसको, ASAT एंटी सेटेलाइट टेस्ट, जिसके अंदर हमने इसको सेटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक, तो ऐसा करने वाले कौन कौन से कंट्री हैं जिसके पास ये कर सकते हैं, इंडिया कर सकता है ऐसा,
चाइना कर सकता है, यूएस ऑब्वियसली रशिया तो कर ही सकता है। तो ये चार कंट्री हैं अभी तक इनके पास ये एंटी सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, ये एंटी सेटेलाइट डिस्ट्रॉय करने की पावर थी। तो रशिया ने एक टेस्ट कराया था, डायरेक्ट असेंट एंटी टेस्ट DASSAT, तो इसके अंदर ये सीधा लॉन्च करके वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये डायरेक्ट असेंट एंटी सेटेलाइट टेस्ट है, इसमें रशिया ने डायरेक्टली सीधा मिसाइल लॉन्च करके एक सेटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये रशिया का है। तो इंडिया का मिशन शक्ति था, रशिया का ये डायरेक्ट असेंट एंटी सेटेलाइट टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी चार कंट्रीज को कौन कौन से हैं, इंडिया, चाइना, यूएस एंड रशिया के पास कैपेबिलिटी है ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने की। अगला टॉपिक है हमारा हुआ PI-8 क्या है। PI-8 एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, मैरीटाइम पेट्रोल के लिए यूज किया जाता है, यूएसए का है, इतना ही जानना है और कुछ जानना नहीं आएगा। तेजस क्या है, तेजस इंडिया का लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसने आधा इंडिजिनियस डिजाइन किया गया है, ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जिसको मल्टी रोल के लिए भी यूज किया जाता है। इसको डिजाइन किया है एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी ने और प्रोड्यूस किया है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसको प्रोड्यूस किया है। ये इसके जो है कितने एल्टीट्यूड तक पहुंच सकता है, ये एल्टीट्यूड 400 किलोमीटर तक ये तेजस ऑपरेट कर सकता है। तो इसकी रीच कितनी है, 400 किलोमीटर है एंड क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसको यूज किया जाएगा। ये इंडिजीनियस है, तेजस है LCA एंड ये क्या है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है इसकी क्लास में, इसी क्लास में वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका एडवांस वर्जन भी बना रहा है वो MK2 हो जाएगा, LCA MK2, ठीक। तो ये एक हाफ इंडिजीनियस सिंगल इंजन मल्टी रोड फाइटर जेट है जिसकी रीच कितनी है, 400 किलोमीटर है। ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। अभ्यास सीट क्या है, अभी इसरो और DRDO में बहुत सारे क्या है टारगेट्स, इसरो DRDO बहुत सारी मिसाइल बना रहा है, तो मिसाइल को चेक करने के लिए क्या है, हमें क्या चाहिए, कोई टारगेट चाहिए, इसको हिट कर रही है, मिसाइल लॉन्च करते हैं तो हम इस चीज़ को किसी चीज़ पर हिट कराने के लिए टारगेट तो चाहिए, उसको टेस्ट करते हैं तब हम, तो ऐसा टारगेट है ये टारगेट है वो है अभ्यास हीट की फुल फॉर्म क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, ये घूमता रहता है, ठीक है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, तभी तो इसको हम मिसाइल से हिट करवाते हैं इस पर और चेक करते हैं कि मिसाइल हमारी काम कर रही है या नहीं, ये गैस टर्बाइन पे काम करता है, ये इतना याद रखो, ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जो DRDO ने बनाया है अभ्यास करने के लिए, टारगेट्स का अभ्यास करने के लिए इस पर। अगला है INS विक्रांत। INS विक्रांत क्या है, इंडिया का फर्स्ट एंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो कि 2022 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि कमीशन कर जाए, अभी कमीशन नहीं किया है। INS विक्रांत जो अभी हमारे पास है वो INS विक्रमादित्य, ये हमने दूसरे कंट्री से लिया हुआ है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो विक्रांत है वो इंडिजीनियस होगा और ये स्टोबार होगा यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ कर सकता है, शॉर्ट टाइम में ही टेक ऑफ कर सकता है, और एयरक्राफ्ट कैरियर है तो यानी कि एयरक्राफ्ट इसमें ये कैरी करेगा। इस पर कौन कौन से ये एयरक्राफ्ट कैरियर ये कैरी करेगा, तो ये एयरक्राफ्ट है जैसे कि MiG-29 एयरक्राफ्ट है, जैसे Kamov-31 हेलीकॉप्टर है, AMH-60R है, ये रशिया का है, तो इसमें ये डिप्लॉयड होंगे सारे, तो ये सारे को एयरक्राफ्ट को नेवी कैरी करेगी, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। तो इसको डिज़ाइन किसने किया है, नेवल डिज़ाइन ने, इंडिया का इंडियन नेवी का जो नेवल डिज़ाइन विंग है उसने डिज़ाइन किया है। इसको बिल्ड किया जाएगा कोचिन शिपयार्ड में, इसको बिल्ड किया जाएगा कोचिन शिपयार्ड में, ठीक। अगला टॉपिक क्या है, प्रोजेक्ट 75 आई है, और प्रोजेक्ट 75 के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट 75 के अंदर हम क्या कर रहे हैं,
वो हम 6 सबमरीन्स बना रहे हैं, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स ले रहे हैं। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन कौन कौन सी है? कलवरी है, खांडेरी है, करंज है, वेला नई इंडेक्ट की है हमने, तो ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वो बहुत सारे मिशन कर सकती हैं, जैसे एंटी सरफेस वारफेयर है, एंटी मैरीटाइम वारफेयर है, सरफेस पे वो काम कर सकती है, इंटेलिजेंस ग्रेनिंग का काम कर सकती है, तो ये स्कॉर्पियन क्लास काम कर सकती है। और आई वाला प्रोजेक्शन 35 आई वाला हो जाएगा, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंडिजीनियस बना रहे हैं, उसमें हम इंडिजीनियस सबमरीन्स बना रहे हैं जो कि डीजल पे काम करेगी, कन्वेंशनल होगी। ये शायद न्यूक्लियर है, स्कॉर्पियन वाली न्यूक्लियर क्लास है, ये कन्वेंशनल होगी। तो इसमें एडवांस इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यूज किया गया है। इनमें एडवांस इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो सबमरीन्स हैं वो पानी के अंदर रहती है, उनको बाहर नहीं जाना पड़े एयर के लिए, उसमें डीजल इलेक्ट्रिक इंजन लगाए जाते हैं, उस टाइम के लिए वो अंदर ही रहती है, और ज़्यादा रहने के लिए वो क्या है, वो लोग यूज करते हैं इसका, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन बन रही है। ठीक, तो एडवांस इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाले दूसरे कंट्री कौन कौन से हैं? चाइना, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, रशिया, इनके पास भी एडवांस इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है। चाइना, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन एंड रशिया। ये जो था विक्रांत वाला है, एयरक्राफ्ट कैरियर कौन कौन से कंट्री बना सकता है, बना कौन कर सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड इंडिया, ये कंट्री ही एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। चाइना इसमें अभी हिस्सा नहीं है, चाइना बना रहा है, अभी डेवलप कर रहा है। तो लेजर वेपन क्या होते हैं? लेजर वेपन क्या है, वो लेजर लाइट का यूज करते हैं, लेजर लाइट से टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इन वेपन्स को हम क्या बोलते हैं, लेजर क्या होती है, डायरेक्टेड बीम होती है, तो इसको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी कहा जाता है लेजर वाले को। इसराइल ने डेवलप किया है एक लेजर वेपन, उसका नाम बताओगे आप? अगला जो टॉपिक है जो इसमें नहीं दिया हुआ है वो राफेल एयरक्राफ्ट है। राफेल हमने बोरो किया था, खरीदे हैं किससे, फ्रांस से खरीदे हैं। ठीक है, इनको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, डासल्ट एविएशन ने इनको बनाया है। इनको राफेल का नाम, दूसरा नाम क्या है, गस्ट ऑफ विंड भी कहा जाता है इनको, गस्ट ऑफ विंड। तो राफेल हमने खरीद रहे हैं। ये मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होगा, जो इंडिया का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट होगा। इसकी जो लेंथ कितनी है, इतनी है, हाइट 5.3 किलोमीटर है, इसके बारे में ये दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। इंजन इसमें 2 इंजन यूज किए गए हैं। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितना हो सकता है, 25 टन के करीब ये ले जा सकता है, 25 टन वेट। टॉप स्पीड इसकी कितनी हो सकती है, 1.8 मैक, यानी कि 1400 के करीब किलोमीटर पर आवर तक राफेल की स्पीड हो सकती है। और इसके अंदर वेपन कौन कौन सा होगा, इसके अंदर मेका मटेरियल मिसाइल है जो फ्रांस की डेवलप की गई है, हैमर मिसाइल भी फ्रांस की है, वो इसमें होगी, स्काल्प मिसाइल है, एग्जोकेट सिस्टम है, ये सारे सिस्टम मीका मटेरियल मिसाइल, हैमर मिसाइल, स्काल्प मिसाइल, AM-39 एग्जोसेट एंटी शिप मिसाइल, ये सारे इसमें होंगे। तो ये था हमारा डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर। इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं अभी, जैसे कि हम एयर एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। एयर एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख लेते हैं 4-5। तो नेपच्यून अभी एक्सरसाइज हुई थी, नेपच्यून स्ट्राइक 22। नेपच्यून स्ट्राइक 22 किसकी एक्सरसाइज है, नेटो की एक्सरसाइज है, यूरोप में वो कंडक्ट कराना चाहता था। चीरू 2020 ये किसकी एक्सरसाइज है, रशिया, इसमें चाइना, इंडिया, ईरान एंड रशिया, चाइना, ईरान एंड रशिया की ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट नेवल ड्रिल है ये। सी ड्रैगन 2020 किसकी है, सी ड्रैगन 2020 ये एक्सरसाइज किसकी है, ये यूएस प्लस इंडिया ने कराई है, इसमें और भी कंट्री है, 6 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
सी ड्रैगन में सिक्स कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेसेस एक्सरसाइज क्या है? पेसेस PASSES पेसेस, तो ये इंडिया और रशिया की है नेवल एक्सरसाइज, इंडिया प्लस रशिया की नेवल एक्सरसाइज है, अरेबियन सी में कंडक्ट की गई थी सेफ पेसेस के लिए। देन फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस खरीद रहा है। 84 क्या है? 84 देखो AT4 ये क्या है? एंटी आर्मर वेपन है, एंटी आर्मर वेपन DRDO ने डेवलप किया है। और अमर ज्योति को शिफ्ट कर दिया गया था, अमर ज्योति को मर्ज कर दिया गया था किसमें? नेशनल वार मेमोरियल में मर्ज कर दिया गया, नेशनल वार मेमोरियल में मर्ज कर दिया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, डिफेंस मिनिस्ट्री पेंशन निवारण पोर्टल, रक्षा पेंशन निवारण पोर्टल। उसके बाद में है ये मिसाइल, ये किसकी है ये बताइए आप? खाइबर बस्टर मिसाइल है, ये ईरान की मिसाइल है, ईरान की है। और हवा सोंग मिसाइल है, ये किसकी है? हवा सोंग मिसाइल है, ये नॉर्थ कोरिया की है। और मिलान 2020 ये एक्सरसाइज हुई थी अभी, मिलान 2020 नेवी की एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम में हुई थी, विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। सीडोम हमने देख लिया। अमच 60 किसका है? ये रशिया का है, किसका है? यूएस का है, अमर 60 हेलीकॉप्टर है वो यूएस का है। दान वगीर क्या है? ये फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, वगीर क्या है? फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में है। स्लाइनेक्स भी इंडिया श्रीलंका के बीच में है, एक नेवल एक्सरसाइज है उसमें, एक आर्मी वाली है। और मैत्री शक्ति किसकी है? मैत्री शक्ति है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज है। एक्यूवरन क्या है? एक्यूवरन इंडिया मालदीव की है। जिरकॉन रशिया का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और स्मार्ट हमने देख लिया क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो है स्मार्ट। संट क्या था? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है। परले मिसाइल की थी, क्या थी? शॉर्ट रेंज मिसाइल थी परले। हेरोन ड्रोन किसका है? इजराइल का है। हाईकोर किसका है? हाईकोर हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है साउथ कोरिया का। डेजर्ट वॉरियर किसकी एक्सरसाइज है? इंडिया इजिप्ट की है। एक ये जो इम्पोर्टेंट मिशन है, बहुत इम्पोर्टेंट मिशन कौन सा है? ऑपरेशन हरक्यूलस QCULES हरक्यूलस, ये किसका है? ये है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का है, इंडियन नेवी से रिलेटेड है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है इनकी। प्रस्थान क्या है? प्रस्थान ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। दक्षिण शक्ति पुणे में हुई थी। साहिन वन क्या है? ये पाकिस्तान की मिसाइल है। ठीक, ये हमारा डिफेंस कंप्लीट हो गया।
धन्यवाद।